तो दोस्तों मोटो जी 100 बहुत जल्द ही इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में मोटो इडीज एस के नाम से लॉन्च किया जाएगा। और जब ये इंडियन मार्केट में आएगा तब इस स्मार्टफोन का नाम मोटो जी 100 के नाम से देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में बहुत कम प्राइस के अंदर ही आपको 5G की कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस मोबाइल की अगर सबसे अच्छी बात करते हैं तो इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है, जिसमें कि बिल्कुल क्लीन UI आपको देखने को मिलेगा और इसमें कुछ भी ब्लॉड बेयर यानी कि कुछ भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ न्यू अपडेट निकल कर सामने आई है जो कि मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो स्वागत है हमारे चैनल पर, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन होने वाला है स्मार्टफोन का और बैक में क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो अलग अलग राउंड में कैमरा सेटअप दिया गया है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्रंट साइड में आपको डुअल पंच होल का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन वाइज भी एक अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और इसी के साथ में आप बात करते हैं दोस्तों इसको परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें आपको क्वाड कोर प्रोसेसर जिसका क्लॉक स्पीड 3.2 GHz होगा, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 817 का पावरफुल चिपसेट दिया गया है जिसमें कि आपको 5G के साथ देखने को मिलेगा। वहीं साथ में आपको 6GB रैम 8GB रैम का वेरिएंट देखने को मिलेगा और साथ में 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन दिया गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड दिया गया जो कि अगर आप फ़ोन को अगर यूज करते हैं तो उस समय आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आप बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में। तो 6.7 इंचेस का एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि एक LCD पैनल होगी, जिसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आप बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो इसमें क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा जिसका प्राइमरी 64 MP का होगा, 60 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और 2 MP का डेप्थ लेंस होगा और एक चौथा जो लेंस होने वाला है TOF 3D विथ ऑटो फोकस लेंस देखने को मिलेगा। वहीं साथ में आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है। 60 MP का वाइड एंगल लेंस होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा का फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक अच्छी वीडियो और फोटो को क्लिक कर पाएंगे। वहीं साथ में आपको 5000 mAh की एक बड़ी और पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आपको 20W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आप बात करते हैं लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन को 25 मार्च को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, वहीं कुछ दिन के बाद ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करते हैं इसकी प्राइस की तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज की प्राइस 22,000 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या इस स्मार्टफोन को लेकर आप एक्साइटेड हैं, आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।